हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज मैं आपको रुई लोपेज के बारे में और भी ट्रैप बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट टू जो ट्रैप है वो NGE7 वेरिएशन में देखेंगे, उसके बाद A6 वेरिएशन। हालांकि A6 में बहुत सारी ट्रैप है इसलिए एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, आपको और भी वीडियो देखने पड़ेंगे। इसके बाद के सारे वीडियोस A6 ट्रैप में कंटिन्यू रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले NGE7 के दो वेरिएशन और उसके बाद मैं आपको A6 वाला वेरिएशन बताता हूँ। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि लगातार आपको एक ही ओपनिंग में बहुत सारी ट्रैप्स देखने को मिलती है। पूरी ओपनिंग आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी ये सारे वीडियो अगर आप देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले E4 E5 नाइट F3 NC6 BB5 BB5 के बाद NGE7, ये फर्स्ट चॉइस है। NGE7 में नाइट C3 वाइट प्ले A6, उसके बाद बिशप पे अटैक, बिशप A4 देन B5 बिशप B3 H6। H6 थोड़ा वेटिंग मूव है यहाँ पे। नाइट जो यहाँ पे नाइट G5 की नेक्स्ट थ्रेट है वाइट की ओर से, तो उसे स्टॉप करने के लिए जरूरी है। H6 के बाद वाइट खेलेगा D4, पॉन टेक्स पॉन। इसमें पॉन टेक्स पॉन नहीं होगा क्योंकि पॉन टेक्स पॉन नाइट इनटू D4 सेंट्रलाइज। तो D6 अगर ब्लैक रिप्लाई देता है तो यहाँ पे वाइट ब्रेक करेगा A4। अब बेस्ट रिप्लाई ब्लैक की ओर से अगर मैं भी खेलना चाहूँ तो B4 ही खेलूंगा, क्योंकि नाइट पे अटैक होता है। आफ्टर नाइट D5 नाइट टेक्स D5 सॉरी बिशप G4 आइडिया है नाइट इनटू D4 का। पर यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन नाइट टेक्स E5 और उसके बाद आप वीडियो पॉज करके मूव ढूंढिए, बाद में मुझे बताइए, मैं आपको तुरंत बताता हूँ। नाइट इनटू E5 सैक्रिफाइस ऑफ योर क्वीन। आफ्टर बिशप टेक्स क्वीन देन मेट इनटू नाइट F6 चेक, जी इनटू F6 एंड बिशप F7 इज ए चेकमेट। तो ये थी पहली ट्रैप, बहुत ही मस्त ट्रैप है दोस्तों। ध्यान रखिए ऐसे NGE7 वेरिएशन में कई लोग फंस सकते हैं। तो ये आपको पहले से बता देता हूँ फिर से, E4 E5 और NGE7। ओके, उसके बाद आपको खेलना है नाइट C3 और उसके बाद A6 देन ये नाइट G5 की थ्रेट है, H6 रोकना जरूरी है। यहाँ पे वाइट खेलेगा D4, ब्लैक रिप्लाई देगा D6 देन A4 A4 ब्रेक जरूरी है, बिशप सॉरी पॉन पुश देन नाइट D5, ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप G4 पिनिंग योर नाइट देन पॉन टेक्स पॉन। अगर नाइट टेक्स पॉन किया तो यहाँ पे आप तुरंत सेक्रीफाइस कर देना ये पोजीशन में, और बिशप इनटू D1 देन नाइट F6 और बिशप F7। बहुत ही बढ़िया ट्रैप है, आपको जैसे गेम में ट्राई भी कर सकते हो। दूसरी ट्रैप देखते हैं इसमें। ओके, दूसरी ट्रैप में भी NGE7 वेरिएशन ही देखेंगे एंड थोड़ा सा मूव चेंज होगा इसमें। NGE7 के बाद D4 वाइट NC3 के बदले डायरेक्टली D4 करें तो क्या ऐसे करेंगे आप, डायरेक्टली D4 में इनटू D4 देन नाइट इनटू D4 नाइट इनटू D4 क्वीन इनटू D4, उसके बाद ब्लैक रिप्लाई देगा C6 आपके बिशप पे अटैक। C6 में आपको खेलना है बिशप C4 देन D5 सेंटर कंट्रोल के लिए। यहाँ पे आपको बिशप B3 वेटिंग करना है, टेक्स पॉन टेक्स पॉन नहीं करना है, ध्यान रखो। अगर यहाँ पे ब्लैक ने मिस्टेक कर दी, जैसे कि ये एक मिस्टेक की ही गेम है दोस्तों, तो कौन सी मिस्टेक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, डी इंटू E4 की। यहाँ पे ब्लैक विल लॉस हिज क्वीन बाय बिशप F7 चेक आफ्टर किंग टेक्स F7 सिंपल क्वीन D8। चलिए नेक्स्ट जो ट्रैप है वो है A6 के बारे में। A6 वाली गेम बहुत सारी होगी आपकी, क्योंकि रुई लोपेज में ज़्यादातर ब्लैक प्लेयर जब BB5 होता है तो A6 जरूर करता है, इसीलिए इसके सारे ट्रैप्स आपको देखने बहुत ही जरूरी है। शुरू करते हैं E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 BB5 देन A6। ओके, A6 में फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 ट्रैप दिखाऊंगा, यानी 4 + 2 = 6 ट्रैप हो जाएगी रुई लोपेज में। और ऑलरेडी रुई लोपेज में मैंने बहुत सारे वीडियो कंटिन्यूस अपलोड किए, इसलिए आपको मजा आएगा पूरी सीरीज देखने का। तो सारे के सारे जो लास्ट 3 या 4 वीडियो है रुई लोपेज के ऊपर है, तो ये सभी वीडियो देखिए और उसके बाद और भी कंटिन्यू रहेंगे जब तक रुई लोपेज। मैंने बताया था कि आपको
टोटल 56 ट्रैप्स में दिखाने वाला हूँ। तो टोटल 56 ट्रैप आप देख लोगे तो आपका रॉयल ओपेज ओपनिंग ब्लैक और वाइट दोनों की ओर से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। A6 के बाद बिशप A4 नेचुरल मूव है। यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई देता है बिशप टू B4, पहली ट्रैप में BB4। अलग अलग वेरिएशन है दोस्तों, BC5 भी बताऊंगा। तो BB4 में व्हाइट कैसल करता है, उसके बाद ब्लैक रिप्लाई देता है NGE7। आइडिया है कैसलिंग के लिए जगह बनाई है। यहाँ पे व्हाइट तुरंत अटैक करेगा D4 इनटू D4 और उसके बाद नाइट टेक्स D4। ब्लैक यहाँ रिप्लाई देता है D5, उसके बाद इनटू D5, क्वीन इनटू D5। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल नाइट इनटू C6। नाइट इनटू C6 में क्या होगा, अगर ब्लैक ने आपकी क्वीन ले ली तो आपको इंटरपोज मतलब इंटरमीडिएट मूव जो इन बिटवीन मूव कहलाती है, सबसे पहले नाइट इनटू B4 डिस्कवर चेक आफ्टर बिशप D7 सिंपल रुक टेक्स क्वीन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट एक पीस अप हो जाता है सिंपल। चलिए नेक्स्ट रेट इसी में BC5 BB4 के बदले ये पोजीशन में अगर ब्लैक BC5 खेलता है, सॉरी B5 के बाद यहाँ पे पहले से देखते हैं, चलो दोस्तों मेरी भी थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो E4 E5 देन A6 A6 वेरिएशन में बिशप A4 के बाद यहां ब्लैक B5 खेलता है, B5 के बाद बिशप B3 फोर्स मूव है और अब ब्लैक BC5 खेलता है। यहां भी कैसल NGE7 दो वेरिएशन है, नाइट F6 और NGE7 दोनों दिखाऊंगा, इसके बाद में NF6 वाला भी बताऊंगा। तो ये पोजीशन के बाद NGE7 ब्लैक खेलता है, वाइट यहाँ रिप्लाई देगा C3 फॉर D4 थ्रेट है, ब्लैक रिप्लाई देगा D6 पॉन को सपोर्ट और यहाँ पे D4 इनटू D4 सी इनटू D4 बिशप B6 और उसके बाद नाइट G5 में इस पॉन को अब डिफेंस होना बहुत ही मुश्किल है। ब्लैक रिप्लाई देता है F6, तो यहाँ पे आप दो तरीके से विन हो सकते हो, नाइट F7 फॉर्किंग द क्वीन एंड रुक, और दूसरा जो है वो है मेटिंग अटैक जिसे क्वीन H5 चेक, ब्लैक रिप्लाई देगा G6 और यहाँ पे बिशप F7 चेक। अगर ब्लैक किंग F8 जाता है तो आपको मेट इन वन है क्वीन H6 से, और अगर ब्लैक किंग E6 जाता है तो आपको ब्लैक की क्वीन मिल जाएगी जैसे कि क्वीन H3 चेक। अब ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है F5 और उसके बाद नाइट E6 के बाद क्वीन टोटली ब्लैक की ट्रैप हो रही है। यहाँ पे देखो कोई स्क्वायर मिल नहीं रहा और ऐसे आप क्वीन प्लस होके गेम जीत सकते हो। तो A6 में ये दो ट्रैप है, और भी दो ट्रैप मैं दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए दूसरी ट्रैप क्या है, ओके बिशप B5 के बाद ब्लैक प्लेड A6, यहाँ पे बिशप A4 उसके बाद B5 वेरिएशन है, उसके बाद बिशप B3 ब्लैक रिप्लाई देता है बिशप C5 यहाँ पे कैसलिंग, और यहाँ मैं खेलूंगा NF6। अगर ब्लैक NF6 करता है तो कैसे खेलना है, NF6 करता है तो नाइट टेक्स E5 आफ्टर नाइट टेक्स E5 D4 विथ डबल अटैक, ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप B6, दो रिप्लाई है बिशप टू D6 और बिशप B6। चलिए पहले देखते हैं बिशप B6। BB6 में आपको पॉन टेक्स नाइट, नाइट टेक्स E4 और क्वीन D5 से डबल अटैक के साथ रुक और यहाँ पे चेकमेट की थ्रेट, और यहाँ भी आप आराम से प्लस होते हो। दूसरी जो ट्रैप है फोर्थ नंबर की ट्रैप, इसमें ब्लैक खेलता है अगर बिशप D6, तो बिशप D6 में आपको क्या करना है, पॉन टेक्स नाइट, बिशप टेक्स देन F4। अब बिशप D6 ओनली ऑप्शन है, उसके बाद E5 डबल अटैक, अगर बिशप C5 किया तो सिंपल किंग H1, उसके बाद ब्लैक अपने नाइट को एक ही जगह पे बचा सकता है नाइट G8 और फिर से डबल अटैक क्वीन D5 चेकमेट के थ्रेट के साथ। यहाँ पे बिशप पे भी अटैक है, मल्टीपर्पज अटैक मिलता है इसमें, तो ये भी जबरदस्त ट्रैप है दोस्तों। ये सारे मूव्स आपको देखने हैं और इनमें से छोटी छोटी गलतियां अलग निकालनी है अपने बुक में, कि ब्लैक अगर ये मिस्टेक करे तो आप कैसे जीतते हो, ये मिस्टेक करे तो
कैसे जीतते हो। तो ऐसे ही आप अपोनेंट को हरा सकते हो शुरुआत में, ओपनिंग में, बहुत कम मूव्स में। ये ट्रैप है दोस्तों, बहुत ही कम मूव्स में। तो स्टार्टिंग आपका अगर गलती, इतनी सी भी गलती हो जाती है तो आप गेम लॉस हो जाते हो। इसीलिए रुई लोपेज में ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग ट्रैप्स बनी हैं। तो दोस्तों इसके बाद में और भी रुई लोपेज की ट्रैप बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक वीडियो आपको कंटिन्यूस मिलते रहे। पूरी रुई लोपेज की ओपनिंग सीरीज खत्म होने के बाद ही मैं नई ओपनिंग आपके सामने लाऊंगा। तो जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।